आपका क्वेश्चन है, अ मिल्क टैंक इज इन द फॉर्म ऑफ अ सिलेंडर हुज रेडियस इज 1.5 मीटर एंड लेंथ इज 7 मीटर। फाइंड द क्वांटिटी ऑफ द मिल्क इन लीटर्स दैट कैन बी स्टोर्ड इन द टैंक। नाउ तो इसको हम अच्छे से याद रखेंगे। क्या है देखो आपका, इसने कहा कि मिल्क टैंक इज इन द फॉर्म ऑफ अ सिलेंडर। तो दिस इज योर सिलेंडर। नाउ व्हाट ही हैज गिवन, ही हैज गिवन द रेडियस इज 1.5 मीटर, दैट मीन्स फ्रॉम हियर टू हियर हाफ। तो दिस इज योर रेडियस दैट इज इक्वल टू 1.5 मीटर्स एंड ही हैज गिवन द लेंथ। तो सिलेंडर के अंदर लेंथ कहां पर होता है हमारा, हाइट इज इक्वल टू द लेंथ। तो दिस इज योर हाइट, तो यही आपका लेंथ है। तो दिस हाइट इज इक्वल टू वी कैन से 7 मीटर्स। नाउ फाइंड द क्वांटिटी, दैट मीन्स किसकी बात कर रहा है, अंदर की, दैट इज द वॉल्यूम। ठीक है, तो वी विल फाइंड आउट द वॉल्यूम। तो ये देखो आपका क्या है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर दैट इज इक्वल टू, हमारा फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। नाउ पाई की वैल्यू कितनी होती है, 22/7। तो नाउ वी विल राइट दैट 22/7 इनटू आर स्क्वायर, दैट मीन्स 1.5 इनटू 1.5, 1.5 इनटू 1.5 इनटू एच, एच इज 7। ठीक है, तो देखो 7 एंड 7 गॉड। तो अब देखो कितना बच गया आपका, 22 इंटू 1.5 इंटू 1.5, है ना। इसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा आपका, इट विल बी 2.25। तो ये आपका आ गया 2.25। नाउ दोनों को मल्टीप्लाई करो, देखो कितना आ रहा है, 2 5 10, 1 कैरी, 4 1 5 एंड 4, अगेन 4 50। तो ये आपका आ गया 0 5 एंड हियर कम्स 9 एंड 4। तो अब देखो वो जी डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं, 2, तो 1 2, तो 49.50 मीटर क्यूब इज योर वॉल्यूम। बट इसने देखो क्या कहा है, इसने कहा वी हैव टू फाइंड आउट इन लीटर्स, इन लीटर्स। तो आपका क्या होता है वो हम लिखते हैं, तो हमारा होता है 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर्स। तो नाउ आपका कितना लीटर्स होगा, 49.50 इंटू 1000। तो नाउ वी कैन से दैट 49.50 इंटू 1000, दिस मच लीटर्स। तो ये देखो कितना आ रहा है, फर्स्ट वी विल राइट फुल, तो 49.50 and 3 zeros एंड डेसिमल के बाद कितने हैं, 2, तो 1 2 हियर। तो दैट मीन्स इट इज 49500 liters, ये आपका वॉल्यूम है इन लीटर्स। नाउ कन्वर्ट इनटू किलो लीटर्स, तो नाउ क्या हो गया देखो, आप ये भी लिख सकते हैं और अदरवाइज डिवाइडेड बाय 1000, दैट मीन्स 49.5 किलो लीटर। तो आप दोनों में से कोई भी आंसर लिख सकते हैं। ठीक है,